हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्केल, या जिसको आप हिंदी में मापनी बोल सकते हैं। तो आप देखिए, आप स्केल की डेफिनेशन सबसे पहले जानेंगे और फिर आज हम इस वीडियो में प्लेन स्केल है उसको आज हम ड्रॉ करेंगे कि प्लेन स्केल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। और इससे पहले कि हम प्लेन स्केल को ड्रॉ करें, इससे पहले हम सारी टर्मिनोलॉजी जानेंगे। स्केल क्या है, RF क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल क्या है, टाइप्स ऑफ स्केल क्या हैं, आप कैसे कन्वर्ट करते हैं एक स्केल को दूसरे स्केल में, ये जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए स्केल। तो देखिए, स्केल इज अ प्रपोर्शन बाय विच वी इंक्रीज और डिक्रीज द डायमेंशन। इसका मतलब है स्केल एक ऐसा अनुपात है, एक ऐसा प्रपोर्शन है जिससे आप इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं एक्चुअल डायमेंशन को। यानी आप मानिए कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और यदि आपको कोई बहुत ही लंबी आपको लेंथ मेज़र करनी है जो कि किलोमीटर में है, आपको वो ड्रॉ करनी है एक चार्ट पेपर पर, तो क्या आप 2 किलोमीटर की लाइन खींच पाएंगे चार्ट पेपर पर? तो आपका उत्तर होगा नहीं, कि मैं 2 किलोमीटर की लाइन नहीं खींच सकता चार्ट पेपर पर। तो आप स्केल का यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ आज पढ़ेंगे कि स्केल एक ऐसा प्रपोर्शन है जिससे हम किसी भी स्केल को इनक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं द एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल डायमेंशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई रोड मेज़र करनी है जिसकी लेंथ लगभग 2 किलोमीटर है, तो क्या आप 2 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे अपने चार्ट पेपर पर? नहीं। तो आप क्या करेंगे, उसकी जो डायमेंशन है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे और आप उसको अपनी ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। या आपके पास कोई बहुत ही छोटी डायमेंशन है जिसको आपको आपको दिखानी है चार्ट पेपर पर वो बहुत ही छोटी डायमेंशन है, तो जब आप उसे ड्रॉ करेंगे उसको बड़ा दिखाने के लिए, आप उसमें क्या करेंगे, आप उस स्केल को क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तब आप उसको अच्छे से अपने चार्ट पेपर पर शो कर पाएंगे। तो ये कार्य होता है मेनली आपके स्केल का, कि एक ऐसा अनुपात होता है जिससे आप जो एक्चुअल डायमेंशन होती है ड्राइंग की उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर सकें या डिक्रीज़ कर सकें। अब मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार से आप जो है वो डायमेंशन यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो डायमेंशनिंग है उसको इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले रिड्यूसिंग स्केल, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिड्यूसिंग स्केल के बारे में बता रहा हूँ कि रिड्यूसिंग स्केल में क्या होगा, आप एक्चुअल डायमेंशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, इसको आप कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। इसको आप कहेंगे रिड्यूसिंग स्केल, जिसमें आप जो है वो एक्चुअल डायमेंशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो इसे आप कहेंगे रिड्यूसिंग स्केल। जैसे आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, जैसे आपके पास कोई स्केल है वो 1 आप मेज़र करते हैं, आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं, यदि आप इसको हाफ करें तो आप इसको लिखेंगे 1:2, कि आपके पास कोई ड्राइंग थी वो 1 में थी, आप उसको क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो आप इसको कहेंगे रिड्यूसिंग स्केल। इसका रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ 1:2 आप लेंगे। यदि आप दूसरा फुल स्केल में ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जो आपकी एक्चुअल डायमेंशन होंगी उसे ही आप ड्राइंग में लेंगे, आप उसको हाफ नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, जो डायमेंशन आपको एक्चुअल हैं उसको ही आपको ड्राइंग में भी बनाना है, तो ये होगा आपके पास 1:1 इस प्रकार से। और एक होता है आपके पास इंक्रीजिंग स्केल, इसमें आप क्या कहते हैं, एक्चुअल डायमेंशन को इंक्रीज करते हैं, क्या करेंगे, इसमें एक्चुअल डायमेंशन जो है आपकी उसको आप इंक्रीज करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे आपने यहाँ पर 1:2, यानी आपके पास कोई ड्राइंग थी 1:1 में, किस अनुपात में थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास पहले 1 था, आपने उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 1:2। यदि आपको कोई आपको इंक्रीज़ करनी है तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं 2:1। यदि आपको कोई डायमेंशन दी है 10 और आपको उसको बड़ा करना है तो आप इसको ट्वाइस कर देंगे, यानी उसका 2 गुना कर देंगे, जो आपको एक्चुअल है उसका 2 गुना कर देंगे, तो ये हो गया आपके पास इंक्रीजिंग स्केल। तो 3 तरीके के स्केल हमने बताए आपको, कि जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, एक तो स्केल को वो बना सकते हैं ड्राइंग में, दूसरा फुल स्केल यानी जो डायमेंशन आपको दी है वही डायमेंशन आप लें, और तीसरा है इंक्रीजिंग स्केल। देखिए, एक्चुअल डायमेंशन को आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ करेंगे, यदि आपको 10 दिए तो आप इसको 20 लेंगे, डबल करेंगे इसको, तो आप इसको लिखेंगे 2:1 में लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, टाइप्स ऑफ स्केल जो है जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ेंगे वो हैं 2 प्रकार के, एक तो प्लेन स्केल जिसको आप साधारण मापनी भी बोल सकते हैं, और दूसरा है डायगोनल स्केल, इसको आप विकर्ण मापनी बोलते हैं। ये 2 प्रकार की जो है आपको ड्रॉ करनी होंगी स्केल इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों स्केल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन स्केल के बारे में। सबसे पहले आप देखिए, प्लेन स्केल देखिए इस प्रकार से है, प्लेन स्केल, ए स्केल रिप्रेजेंट 2 यूनिट,
इस स्केल में आप केवल दो ही यूनिट को शो कर सकते हैं, जैसे मीटर और उसकी सब यूनिट सेंटीमीटर। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि दो यूनिट को आप इसमें शो करेंगे, जैसे यूनिट और उसकी सब यूनिट, जैसे मीटर और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर डेसीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर डेसीमीटर लिखेंगे। इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक रॉन्ग यहाँ पर मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिखा था, परंतु देखिए मीटर और उसकी सब यूनिट जो होगी वो डेसीमीटर होगी। तो प्लेन स्केल में आप दो प्रकार की यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, शो करेंगे, जैसे मीटर एंड डेसीमीटर, ये होगी प्लेन स्केल। परंतु जो आप डायगनल स्केल पढ़ेंगे इसमें आप तीन यूनिट को शो कर पाएंगे। देखिए मैक्सिमम आप इसमें थ्री यूनिट शो करेंगे और प्लेन स्केल में आप मैक्सिमम टू यूनिट को शो करते हैं। तो आप देखिए जब आप प्लेन स्केल को ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए आपको दो चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, पहला है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, और दूसरा है लेंथ ऑफ स्केल, जिसको आप LOS मैंने यहाँ पर लिखा है, दूसरा है लेंथ ऑफ स्केल। ये दो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं जब आप ड्रॉ करेंगे किसी भी स्केल को। तो सबसे पहले आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे आप RF बोलते हैं, और लेंथ ऑफ स्केल, जिसको आप LOS कहते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए RF क्या है। देखिए RF होता है, ये रेशियो होता है, ये अनुपात होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की ड्राइंग में। जैसे आप यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, MM में आप बना रहे हैं, परंतु आपको एक्चुअल में जो डिस्टेंस गिवन है वो आपको गिवन है मीटर में। तो देखिए जो डिस्टेंस आप ड्राइंग में बनाएंगे बाय एक्चुअल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी, इसको आप कहेंगे RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। वो दोनों जो हैं ऊपर नीचे सेम यूनिट में होनी चाहिए। यदि ऊपर MM में है और नीचे मीटर में है, तो आप या मीटर को MM में कन्वर्ट करें या MM को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब आप RF को ज्ञात कर पाएंगे। सेम यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एक यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ही बता देता हूँ। जैसे कि आपको कोई भी डिस्टेंस ड्राइंग में, जैसे आपको दिखानी है यहाँ पर डिस्टेंस ऑन ड्राइंग, जैसे आप 2.5 सेंटीमीटर क्या करते हैं, आप 2.5 सेंटीमीटर शो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ड्राइंग में, और वो एक्चुअली जो है वो आपके पास है 1 मीटर, यानी आपने 1 मीटर को 2.5 सेंटीमीटर से डिनोट किया है। तो आप देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 1 मीटर है इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2.5 अपॉन में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपके पास जो RF आएगा वो आपके पास आएगा 1/40। तो ये आपके पास RF आ गया। इस प्रकार से आप RF को निकालेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो डिस्टेंस आपको ड्राइंग में दी होगी वो अपॉन में एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा जो है वो है लेंथ ऑफ स्केल, कि लेंथ ऑफ स्केल क्या है आपकी। तो देखिए जो आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ दी होगी, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम लेंथ आपको 5 मीटर तक मेज़र करनी है, तो आप यहाँ पर 5 मीटर लिखेंगे इनटू आरएफ जो अभी आपने निकाला रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इस प्रकार से आप इनका जो गुणनफल होगा मैक्सिमम लेंथ का और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का, वो आपका कहलाएगा लेंथ ऑफ स्केल, वो कहलाएगा लेंथ ऑफ स्केल। ये आप समझ चुके हैं कि प्लेन स्केल को ड्रॉ करने से पहले आपको RF और लेंथ ऑफ स्केल जानना जरूरी है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ यहाँ पर यूनिट हैं जिसको हमने दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया है, ये आपकी बहुत मदद करेंगी। ये जो चार्ट है ये आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 सेंटीमीटर में देखिए 10 सेंटीमीटर में 1 decimeter होगा, कितना, 1 decimeter होगा, 10 decimeter में 1 meter होता है, और 10 meter में आप देखिए 10 meter में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 10 meter है यहाँ पर आपका, इसमें आप देखेंगे 1 decameter होगा, कितना होगा, 1 decameter, कितना, 1 decameter होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 10 सेंटीमीटर में 1 decimeter, 10 decimeter में 1 meter, 10 मीटर में 1 decameter, 1 decameter में 1 hectometer, 1 hectometer, और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर। ये आप याद करें, इसको आप अपने दिमाग में रखिए कि ये जो चीज़ें हैं आपको प्लेन स्केल ड्रॉ करने से पहले आपको आनी चाहिए, तभी आप जो है प्लेन स्केल को ड्रॉ कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर प्लेन स्केल का, जो आपका एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। देखिए
ये देखिए, ये है आपके पास जो क्वेश्चन है प्लेन स्केल से रिलेटेड। ड्रॉ ए प्लेन स्केल, आपको एक प्लेन स्केल क्या करना है, ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ ए प्लेन स्केल टू शो मीटर एंड डेसीमीटर। मैंने आपको बताया आप दो यूनिट को प्लेन स्केल में दिखाएंगे, उसने आपको बता दिया मीटर एंड डेसीमीटर आपको शो करना है प्लेन स्केल में। व्हेन एक मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपका जो आपको चीज़ गिवन है क्वेश्चन में वो मैं यहाँ पर रफ में लिखता हूँ। इस प्रकार मैं यहाँ पर एक रफ सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये सेक्शन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें इसने हमें बताया है कि एक मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2.5 किससे, यहाँ पर आप शो करते हैं इसको, एक मीटर को आप 2.5 सेंटीमीटर से शो करते हैं। ये आपको दिया है द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ, यानी जो मैक्सिमम लेंथ है स्केल की वो भी आपको दी है यहाँ पर। मैक्सिमम लेंथ आपको दी है यहाँ पर, ये भी मैं लिख रहा हूँ। देखिए, मैक्सिमम लेंथ दी है आपको 5 मीटर। कितना दिया है? 5 मीटर। आपको स्केल पे शो करना है 4 मीटर 3 डेसीमीटर ऑन दी स्केल, या आपको स्केल में ड्रॉ करना है प्लेन स्केल। तो आप यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से स्केल को ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप निकालेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF आप निकालेंगे। तो आपको पता है RF हमारे पास होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। आपको ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग पर कितना लेना है वो मैंने आपको बताया 2.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से। और जो आपको यहाँ पर दिया है कि एक मीटर शो करता है, तो 1 मीटर आप अपॉन में लिखेंगे। आपको सेम यूनिट चाहिए ऊपर भी और नीचे भी, तो आप लिखेंगे 2.5 अपॉन में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऊपर भी सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर। तो जब आप इसको फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/40। RF आपने फाइंड आउट कर लिया 1/40। अब आप फाइंड आउट करिए लेंथ ऑफ स्केल की, आपको स्केल की लंबाई कितनी चाहिए। तो आप देखिए मैक्सिमम लेंथ जो आपको गिवन है वो आप यहाँ पर लिखिए 5 मीटर × 1/40, जो आपके पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ स्केल का। अब आप 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 5 × 100 आप यहाँ पर लिखेंगे, × 1/40 इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जो आपके पास लेंथ ऑफ स्केल आएगी वो आपके पास आएगी 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ही चीज़ें आ गई हैं, RF और लेंथ ऑफ स्केल। RF एंड लेंथ ऑफ स्केल आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी लेंथ ऑफ स्केल है 12.5, कितना 12.5, इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर 12.5 ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन को, यह हमने ड्रॉ की 12.5 सेंटीमीटर की लाइन, यह हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी 12.5 सेंटीमीटर की लाइन। आप ध्यान से सुनिए, हमने सबसे पहले RF फाइंड आउट किया, फिर लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट की। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी 12.5 की जो लेंथ ऑफ स्केल है इसके आप कितने पीस करेंगे, आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दें, आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो आप 12.5 का 5 पार्ट कर दें आप, यहाँ ये भी ठीक है। या आप यहाँ पर एक ये एक्यूट एंगल ले लेंगे इस प्रकार से, ये देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ करें, आपने एक एक्यूट एंगल लिया और इसको आप 5 पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में? 5। आप 5 पार्ट में डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 5 मीटर तक नापता है, कितना 5। तो आप इसके 5 पार्ट कीजिए, तो आप प्रकार में पेंसिल लगा लीजिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपने प्रकार में पेंसिल लगा ली है और इस प्रकार प्रकार का आप मुँह खोल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए 5 आर्क लगाएंगे आप इक्वल डिस्टेंस की, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड एक्यूट वाली लाइन पे आप लगाएंगे, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर आर्क लगाएंगे फोर्थ, और ये हो गया आपका फिफ्थ। 5 आपने यहाँ पर आर्क लगाए। अब ये जो लास्ट आर्क है इसको आप यहाँ पर नेम दे देंगे इस प्रकार से, ये हो गया आपका, इसको आप नेम देंगे 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 पार्ट आपने यहाँ पर कर दिए। ये 5th पार्ट है, इसको आप इस पॉइंट से मिला लेंगे, लास्ट पॉइंट से इस प्रकार। ये देखिए ये आपने ड्रॉ कर लिया, इसके पैरेलल बिल्कुल आप ड्रॉ करेंगे। देखिए ये देखिए इस प्रकार आपने ड्रॉ किए, एक और लाइन इस प्रकार आप आगे बढ़ते जाइए। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार अपने यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली हैं और इसके 5 पार्ट कर दिए हैं। तो ये जो है आपने यहाँ पर कितने पार्ट कर दिए,
पांच पार्ट कर दिए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर दे देंगे पॉइंट, दे देंगे जीरो, ये है वन, ये है आपका टू, ये है थ्री और ये है आपका चार। आपने चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। जो नीचे का पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से आपने ये कितना जीरो वन इसको आप इरेज कर देंगे और इसको आपने देखिए इस प्रकार से लिखेंगे इसको जीरो वन टू थ्री फोर। यहाँ से आप शुरू नहीं करेंगे, एक पॉइंट आगे से आप शुरू करेंगे इस प्रकार से। अब आप जो यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो ये पोर्शन है, यहाँ पर आप इसको देखेंगे क्या करेंगे, ये तो आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया चार मीटर। अब आपको यहाँ पर तीन डेसीमीटर भी शो करना है। कितना शो करना है? तीन डेसीमीटर। तो ये जो पहला पोर्शन है इसके आप कितने करेंगे, इसके आप देखिए, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि एक मीटर में दस डेसीमीटर होते हैं। तो आप इस एक मीटर के दस पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे? दस पार्ट करेंगे, सेम एज इट इज़ जैसे अभी आपने किए। तो यहाँ पर आप आर्क मारेंगे टेन और लास्ट पॉइंट को इसे जोड़ेंगे और आप इसके कितने पार्ट कर लेंगे? दस पार्ट कर लेंगे। ये देखिए इसके आप कितने पार्ट करेंगे? दस पार्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप कुछ हाइट ले लेंगे इस प्रकार से। देखिए जैसे मैं यहाँ पर 15 यहाँ पर एक हाइट ले लेता हूँ स्केल की इस प्रकार। ये देखिए मैं स्केल की एक हाइट ले लेता हूँ 15 इस प्रकार, और इस प्रकार इसको यहाँ पर क्या करूँगा, ज्वाइन कर लूँगा। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर कुछ हाइट ले ली और ऐसे इनको ये देखिए इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर ये शो करने हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो ये जो पोर्शन है आपके पास जीरो, ये पोर्शन जो है आपके पास, इसको आप दस पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कितने पार्ट में? दस पार्ट में आप इसको क्या करें, डिवाइड कर लें। देखिए अब आप यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर क्या किया, जो ये पहला पार्ट था, ये इतना पार्ट जो इसने आपने पांच पार्ट किए थे, तो पहले पार्ट के आपने दस पार्ट किए, क्योंकि एक मीटर बराबर कितना होता है, दस डेसीमीटर होता है। इसके आपने टेन पार्ट किए। अब आप देखिए इनको आप क्या करेंगे, इस प्रकार से या आप अबव ले जाएं, किस प्रकार, बिल्कुल इसके पैरेलल आप क्या करेंगे, इसको अबव ले जाएंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए, या आप इनको इस तरीके से क्या करें, सभी पार्ट्स को अबव ले जाएँ। देखिए इस प्रकार फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, और यहाँ पर एक और पार्ट आएगा इस प्रकार, ये है आपका नाइन्थ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके कितने पार्ट आ गए हैं? नाइन्थ। तो ये है जीरो, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर। देखिए इस प्रकार से आप इसको नेम देंगे, ये हो गया टू, ये हो गया यहाँ पे फोर, ये हो गया आपका सिक्स, एट एंड टेन। ये दस पार्ट आपके हो गए हैं इस प्रकार से। ये कितने पार्ट हो गए आपके? टेन पार्ट हो गए। अब आप देखिए, जब आपको यहाँ पर कितना शो करना है, चार मीटर, और ये है आपका तीन डेसीमीटर। तो देखिए जो चार मीटर वाला पोर्शन है, जो आपका चार मीटर वाला पोर्शन है, ये देखिए, तो आप यहाँ से एक इस प्रकार से लाइन ले जाइए और यहाँ देखिए आप यहाँ पर काउंट करेंगे वन टू थ्री। तो ये वाला पॉइंट है थ्री, इसको आप अबव ले जाइए। जो ये थ्री वाला पॉइंट है इसको आप क्या करेंगे, अबव ले जाएंगे इस तरीके से, और आप इस प्रकार इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए इस प्रकार आप इसको क्या करें, ड्रॉ करें। तो ये हो गया आपका चार मीटर और ये हो गया आपका तीन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तीन डेसीमीटर। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसको शो करेंगे अपने स्केल को। यहाँ पर आप लिखेंगे फोर मीटर्स थ्री डेसीमीटर, इस प्रकार आप यहाँ पर शो करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को क्या कर सकते हैं, इतना जो पार्ट है इसको आप क्या कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। डार्क पेंसिल से आप इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर डार्क आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आप सिंगल पेंसिल से आप इसको क्या करेंगे, जो ये इतना पोर्शन आपका आएगा इसको आप डार्क में शो करेंगे। इतने स्केल को आप क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो यही आपका स्केल आ गया चार मीटर और तीन डेसीमीटर का। आपने यहाँ पर स्टेप देखा कि सबसे पहले आपने आरएफ फाइंड आउट किया, फिर लेंथ ऑफ स्केल आपने फाइंड आउट की, फिर आपने यहाँ पर इसको जितना आपको मीज़र करना है लॉन्ग, तो आपने पाँच मीटर तक मीज़र करना है, तो आपने इसके पाँच पार्ट की, इस लाइन के पाँच पार्ट की। देखिए फिर आपने इसको यहाँ से जीरो वन टू थ्री फोर, तो जो इतना पार्ट है ये आपका मीटर में है और जो इसका एक पार्ट है ये आपका
डेसीमीटर में है, ये मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि ये जितना पार्ट है 4 मीटर है पूरा, और यह 3 डेसीमीटर, इसके भी 3 पार्ट, तो ये आपका आ गया 4 मीटर 3 डेसीमीटर। तो ये आपने ड्रॉ कर दी यहाँ पर प्लेन स्केल, या आपने ड्रॉ कर दी यहाँ पर प्लेन स्केल। ऐसे ही आप सभी प्लेन स्केल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ डायगोनल स्केल, या विकर्ण मापनी को कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपको 3 स्केल शो करनी होती है, इसमें आपने 2 स्केल शो की हैं, उसमें आप 3 स्केल को शो करेंगे, तो वो आपका कहलाता है विकर्ण मापनी। तो आज हमने देखा यहाँ पर प्लेन स्केल या साधारण मापनी को आप किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, आपने स्टेप वाइज इसको समझा है। ये लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं, ये आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको 10 लें 15 लें, बस ये आपको शो करना है। और जो आप शो करेंगे इसको आप डार्क पेंसिल से शो करें, बाकी आप यहाँ पर इसको लाइट पेंसिल से आप बाकी चीज़ों को यूज़ करेंगे। जो आपको डिस्टेंस शो करनी है उसको आप इस प्रकार से एग्जामिनेशन में भी ड्रॉ करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमें लाइक कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एज़ पर गिवन ID, और आप हमें जो है ED की या मशीन ड्राइंग की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इंजीनियरिंग की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।